होता है पॉलिटिक्स में हम लोग एक्सपेक्टेशन कुछ होता है लेकिन होता कुछ और है। उनको सिंगिंग में थोड़ा रहना चाहिए था क्योंकि वो बहुत अच्छा कर रही थी। आजकल राजनीति का मतलब ही हो रहा है ना कि आप अपने नाम को खराब कर रहे हो। लोग कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं कर सकते राजनीति। अच्छा नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरडांस और मैं हूँ आपके साथ केशव। दरअसल बिहार की राजनीति में एक और नया ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट ये है कि जो प्रशांत किशोर है उन्होंने अपनी पहली एंट्री एक भोजपुरी कलाकार को कराई है। दरअसल प्रशांत किशोर के लिए सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर लंबी लंबी बातें कर रहे थे जन सुराज के लिए। उन्होंने कहा था कि बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देंगे, नई दशा देंगे। लेकिन इस बीच उन्होंने जो पहली एंट्री कराई है वो है अक्षरा सिंह की। हालांकि इससे पहले भी कई सारे ऐसे भोजपुरी के कलाकार हैं जो राजनीति में आ चुके हैं, चाहे अगर बात कर ले मनोज तिवारी की, चाहे उससे पहले बात कर ले निरहुआ की, तो कई सारे ऐसे कलाकार हैं जो आते रहे हैं। लेकिन अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या अक्षरा सिंह जन स्वराज के लिए कुछ वोट बटोर पाती हैं। दरअसल मैं इस वक्त पटना के एन कॉलेज में मौजूद हूँ जहाँ पर छात्र आपको दिखाई दे रहे होंगे, यूथ दिखाई दे रहे होंगे। मैं इन सभी से थोड़ी थोड़ी रिएक्शन लेने की कोशिश करूंगा और समझने का प्रयास करूंगा कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है। देखिए सबसे पहले आइए आइए, आप ये बताइए कि क्या नाम है सबसे पहले? अनुपम सिंह। अनुपम जी, अक्षरा सिंह की एंट्री हो रही है राजनीति में, कैसे देख रहे हैं? प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन को हम सिंगर एक्टर के व्यू से देखते हैं, हम राजनीति के व्यू से उनको नहीं देखते हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर तो कह रहे थे कि लेके आए हम ऐसे चेहरा। प्रशांत किशोर का कहना वो मतलब मानिए तो कहते हैं और बदल जाते हैं। पहले तो कहते थे कि हम मतलब माटी से उठाए हुए लोग को अपने स्तर पर पहुंचाएंगे जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, और बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन लोग को ला रहे हैं, कलों के बाहुबलियों को लाएंगे, उनके बाद को क्या कहा जाए। लेकिन प्रशांत किशोर भी अब दूसरे रास्ते पे मुड़ गए जो पहले, वो पूरा एकदम 100% छूट पे आए हैं और बोलते हैं और वो करते नहीं। तो पद यात्रा पे निकले हुए हैं, पद यात्रा से क्या फायदा होगा? राहुल गांधी पद यात्रा की कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो ये क्या है? तो अक्षरा सिंह को लाए हैं बता रहे हैं कुछ नहीं होगा। अक्षरा सिंह को लाए चाहे कोई भी लाए, जो जमीन से जुड़े हुए इंसान है उनको लाएंगे तो राजनीति में सफल होंगे, लोग सपोर्ट करेगा, और बड़ा बड़ा लोग को लाइएगा तो वो लोग अपने बारे में ही सोचेंगे। अच्छा, अक्षरा सिंह, अक्षरा सिंह एक तरह से ठीक है लेकिन उन लोग का जो व्यू है, मतलब आपको भोजपुरी के सिंगर है, एक्टर है, तो उन लोग को फोकस करना चाहिए कि राजनीति पे नहीं, और उन लोग को अपना पहले कैरियर बनाइए कि भाई अपना मतलब जिस चीज पे है। कभी देखते हैं ये जातिवाद होता है, कभी कुछ होता है। अच्छा, अक्षरा सिंह ड्रामा क्वीन कही जाती है, कहीं कही जाती है वो कंट्रोवर्सी क्वीन कही जाती है, तो ये फिर उसमें भी आए तड़का लगाया इन्होंने। इसमें हम ये कहना चाहते हैं ना कि मतलब अक्षरा सिंह को देखा जाए ना तो मतलब यहाँ पे है ना सब अपने आप को जातिवाद में सब कन्वर्ट कर देते हैं। अक्षरा सिंह ये इसमें आ जाएंगे, ये उसमें आ जाएंगे, पवन सिंह कहीं और चले जाएंगे, और ये इसको कुछ बोलेंगे तो मतलब राजनीति को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए जो छात्रों की राय है मिलीजुली, अभी रुके और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई? आयुष। आयुष, आयुष जी क्या सोचते हैं? अभी अक्षरा सिंह की एंट्री हुई है, जन स्वराज पार्टी ज्वाइन किया है, जो प्रशांत किशोर है चुनावी रणनीतिकार कहे जाते हैं वो तो पहले कहते थे कि हम जमीन से उठाएंगे लोगों को, जमीन से लेके आएंगे, और अब ये एक बॉलीवुड का ये भोजपुरी का तड़का। सर सबसे पहले बात तो सर ये उनका निजी मामला है, और मैं बोलना चाहूँगा सबसे पहले भोजपुरी में सबसे सोसाइटी में अश्लीलता जो हो रही है वो खत्म होनी चाहिए, उसी के बाद तब उनको, मैं तो उनका निजी मामला हूँ, मैं फिर भी कहूँगा उनको एंट्री लेना चाहिए था। और जब तक और सर यूथ का बात है, यूथ में जब तक शिक्षित लोग, शिक्षित यूथ नहीं आएंगे, डाउन टू अर्थ नहीं होंगे, समझेंगे नहीं सब चीज को, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा बिहार के पॉलिटिक्स में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बहुत जरूरी बात है कि यूथ जब तक नहीं आएंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तब तक बात नहीं होगी। एक्सक्यूज मी, आपसे बात करूंगा, नाम आपका? अपर्णा सिंह। अपर्णा सिंह, अपर्णा जी बताइए, अक्षरा सिंह की एंट्री हुई है राजनीति में हो रही है, जन स्वराज पार्टी में आ रही हैं, कैसे देखती हैं, क्या करेंगी वो? आई होप अच्छा ही करना चाहिए क्योंकि एक गर्ल है तो गर्ल के अकॉर्डिंग तो मतलब बहुत अच्छा ही रहना चाहिए उनका। अच्छा, अब अक्सर वो विवादों में रही, प्रशांत किशोर की बात अगर मैं याद कराऊं, प्रशांत किशोर ने कहा था कि वो ऐसे लोगों को लाएंगे जो जमीन से जुड़े होंगे, लेकिन वो पहली ही एंट्री उन्होंने कराई है, भोजपुरी का तड़का लगाया है। हाँ, तो क्योंकि अक्षरा सिंह अच्छा कर रहे हैं, होता है पॉलिटिक्स में हम लोग एक्सपेक्टेशन कुछ होता है लेकिन होता कुछ और है। मे बी अक्षरा सिंह आए तो कुछ अच्छा ही करे लोगों के लिए।
बहुत सारे ऐसे कलाकार थे जैसे शकुन सिन्हा की बात कर ले, इससे पहले पवन सिंह की बात कर ले, निरहुआ की बात, सारे लोग पॉलिटिक्स में आए हैं, क्या कुछ फायदा कर पाए हैं, कुछ लोगों का कुछ कल्याण कर पाए हैं, आपका हो पाएगा? नहीं, देखा जाए तो नहीं उतना कुछ हुआ है। आई होप कि अक्षरा अच्छा कह रहे आ रही है। तो वैसे वादे तो बड़ी बहुत बातें करी हैं, लेकिन लगता है आपको होने तो चाहिए, एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, करना तो खरी उतरेंगे या नहीं उसका क्या? उतरना चाहिए उनको, बिल्कुल उतरना चाहिए। देखिए एक और मुझे दिख रही है, क्या नाम है सबसे पहले आपका नाम? नंदनी में हो चुका है। नंदनी, कोई बात नहीं नंदनी, आप मुझे ये बताइए कि अक्षरा सिंह, उनकी एंट्री राजनीति में होती हुई नजर आ रही है, जन स्वराज पार्टी में एंट्री उन्होंने की है, और जन स्वराज के जो संरक्षक हैं उन्होंने कहा कि हम कहा था कि 1.5 साल से वो यात्रा पे निकले हैं, पद यात्रा में हैं, उन्होंने कहा था कि हम कॉमन लोगों को चुनेंगे, जमीन से उठाएंगे लोगों को, और ये पहली एंट्री उनकी हो रही है, पहली एंट्री में ये दिखाई दे रहा है कि उन्होंने भोजपुरी का तड़का लगाया, कैसा लग रहा है आपको देख के? शॉकिंग तो नहीं है, क्योंकि बाकी लोग भी भोजपुरी से एंट्री किए हैं पॉलिटिकल में, तो शॉकिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अगर अच्छा करना है तो वो कर सकती हैं, और नहीं भी कर सकती है क्योंकि बाकी तो घुल मिल जाते हैं सब लोग, मतलब सब ढाक के तीन पात वहीं आ जाते हैं पॉलिटिशियंस। यस, नहीं उसको आप अपनी भाषा में बताइए, जरा बताएं, आपसे ये राय मांगी लेकिन आप इसे अपने तरीके से बताइए। कहेंगे उनको सिंगिंग में थोड़ा रहना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत अच्छा कर रही थी, तो बाकी लोग भी सोचते वो लोग आए हैं तो हम भी क्यों नहीं, तो यही सब चक्कर में रह जाते हैं। करियर डुबा लिया उन्होंने, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, करियर नहीं डुबाया, उनका बहुत अच्छा खासा चल रहा है, हालांकि सही भी है और अच्छा भी गाती है, तो हाँ कहेंगे कि नहीं करना चाहिए था, बाकी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिये ये थी यहाँ की युवाओं की राय, जरा और कुछ लोगों को देखता हूँ बात करने में कौन यहाँ पर देखे, हालांकि जो है यहाँ पर जो यूथ है यहाँ से जा चुके हैं, मैं एक चेहरा और मुस्कुराता हुआ दिख रहा है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू हुआ। सोनू, एक चीज आप मुझे बताइए कि अभी आप देख रहे होंगे कि हम लोग किस बात पर चर्चा कर रहे हैं, अक्षरा सिंह की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई है और वो जन स्वराज पार्टी के जरिए राजनीति में आ रही है, क्या लगता है कुछ कल्याण कर पाएंगी? देखिए हमको किसी पॉलिटिशियन से उतना खासा नफरत है, लेकिन आप लगाओ युवाओं की क्या राय? ना लगाव है, हाँ। किसी भी पार्टिकुलर पॉलिटिक्स से नहीं लगाव, हाँ। नहीं नफरत भी नहीं है, हाँ। डेफिनेटली अक्षरा से ही आएंगी तो मैं जहाँ तक उनको जानता हूँ वो एक चेहरा बॉलीवुड का चेहरा रहा, हाँ। बॉलीवुड का चेहरा, हाँ, भोजपुरी का चेहरा रहा, इस दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट भी नहीं है, हाँ। उनकी परफेक्शन बॉलीवुड में दिखती है, लेकिन अगर किसी भी वुड में आते हैं वो तो डेफिनेटली वो अपने आप को या तो पर्सनालिटी वाइज डिसऑर्डर बनाए, हाँ। या फिर वो अपने आप को ही धूमिल करे, तो मेरे ख्याल से वो जिसमें बेटर कर सकती है कर रही है, और कर रही है, लेकिन क्या आप राजनीति में वो अच्छा कर पाएंगे, कुछ ऐसा होकर कल्याण कर पाएंगे? जैसे कि बहुत सारे आजकल राजनीति का मतलब ही हो रहा है ना कि आप अपने नाम को खराब कर रहे हैं, कुछ अगर पॉलिटिशियन को छोड़ दिया जाए तो ट्रस्ट का फैक्टर हमेशा आ रहा है, हाँ। तो कोई भी आएंगे तो ट्रस्ट का फैक्टर तो आएगा ही आएगा, अगर अच्छा नाम है तो मैं तो ये सजेशन दूंगा कि ना आए, अगर अच्छा कर सकते तो आ जाए, बिल्कुल। लेकिन आपको क्या लगता है, उम्मीद है कि कुछ अच्छा कर पाएंगे? किन्हीं पॉलिटिशियन से कोई उम्मीद नहीं, उम्मीद नहीं पॉलिटिशियन से, जरा आइए, जरा मैं बाहर कुछ लोगों का रुख करता हूँ, जरा समझने की कोशिश करता हूँ, एक्सक्यूज मी दोस्त भाइयों, बात करना चाहूंगा, अभी आप सुन रहे होंगे कि मैं किस विषय पर बात कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए सबसे पहले आपका नाम? जी मेरा नाम ललित दत्त है। ललित जी, अक्षरा सिंह की राजनीति में एंट्री हो रही है, प्रशांत किशोर जो है चुनावी रणनीतिकार कहे जाते हैं, उन्होंने अक्षरा सिंह को एंट्री कराई है चुनावी, उसमें भोजपुरी तड़का लगाया अपनी पार्टी में, क्या लगता है सफल होगी? बिल्कुल सफल होगी। देखिए राजनीति एक ऐसा विषय है जिसमें समाज के सभी पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर बॉलीवुड से लोग आते हैं तो वो अपने जो उनका विषय है, जो उनका मुद्दा है, उनको गंभीरता से रखेंगे, हाँ। और कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह को लगा होगा कि बिहार में जो स्थिति है, हाँ। बॉलीवुड सॉरी जो यहाँ अक्षरा बदल पाएंगे, हाँ? अक्षरा बदल पाएंगे वो कंडीशन? बिल्कुल बदलने की कोई गारंटी नहीं लेता, कोशिश तो सभी करते हैं, रामधारी सिंह दिनकर भी कहते हैं कि कोशिश होनी चाहिए, किसी भी चीज को बदलने की कोशिश होनी चाहिए, हाँ। तो वो जरूरी है, वो होना ही चाहिए, उसके लिए जरूर स्वागत होगा। और भी लोग दिख रहे हैं मुझे। अच्छा भाई साहब आपका नाम क्या है? आदित्यराज। अच्छा ये बताइए कि जो राजनीति में एक बार फिर से भोजपुरी की एंट्री होती हुई नजर आ रही है, अक्षरा सिंह जो अब तक सिंगर थी, भोजपुरी की कलाकार थी, अब वो राजनीति करती हुई नजर आएंगी,
धनसुराज पार्टी ज्वाइन की है कैसे? जरूर लोग कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं कर सकता राजनीति, राजनीति कोई बड़ी चीज होती है। अच्छा, प्रशांत किशोर की राजनीति को आप देख कैसे देखते हैं? जैसे प्रशांत किशोर जी हैं, अपने पूरा शक्ति दम तो लगा रहे हैं, अब आगे तो उनका जनता बताएगा क्या उनका हाल है। लेकिन क्या आपको क्या लगता है अभी आगामी लोकसभा चुनाव फिर विधानसभा चुनाव उनकी कुछ दिखाई देगी? हाँ, कोशिश करेगा, बिल्कुल दिखाई देगी, जरूर दिखाई देगी, एकदम उनकी भूमिका दिखाई देगी। हमारे पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में प्रशांत किशोर जी पहुंचे, वहाँ के लोग उनसे बहुत ये हुए, मोटिवेट हुए उनकी बातों से, उनकी हर एक अच्छी अच्छी बातों से उनसे मोटिवेट हुए। वहाँ पे हमको दिख रही है प्रशांत किशोर जी पूरा छाए हुए हैं, प्रशांत किशोर छाए हुए हैं। अक्षय सिंह आज उनका पार्टी ज्वाइन किए थे तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया पार्टी से बढ़िया जगह से उनको टिकट मिले और बढ़िया से वो जीतेंगे अक्षय सिंह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा आपने कि युवाओं के यहाँ पे पटना एन कॉलेज के युवाओं की राय ये है कि अक्षरा सिंह जिनकी राजनीति में एंट्री होती हुई नजर आ रही है वो वाकई युवाओं के लिए, लोगों के लिए अच्छा करेंगे, उनकी कोशिश होगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर वो ऐसा क्या करती हैं जिससे युवाओं का अच्छा हो, भला हो, फायदा हो, समाज का अच्छा हो, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पटना एन कॉलेज के युवाओं की मिली जुली राय ने तो ये साबित कर दिया है कि जो राजनीति में जो भोजपुरी का तड़का है वो शायद प्रशांत किशोर का ये जो ट्रंप कार्ड है वो काम करता हुआ नजर आए। सहयोग साकेत के साथ केशव सिंह।